राम राम जी सभी दर्शकों को। मैं हूं बाबा रामदास। ये मेरे साथ ये मुकेश भाई हैं जी, दुब्बल धनमाजरा है। मुकेश भाई राम राम। राम राम, राम राम, प्रणाम महाराज जी। मुकेश भाई ये दुब्बल धनमाजरा बेरी हल्के में पड़े है। हाँ जी, बेरी हल्के में पड़ता है जी। तो आपका नाम मुकेश कुमार है? हाँ जी, मुकेश कुमार नाम है जी मेरा। मैं एससी कैटेगरी से हूँ। एससी कैटेगरी से हैं आप? धानक हैं? धानक। हाँ जी। अच्छा मुकेश भाई, जरा आप क्या बता रहे थे मुझे, जरा मेरे दर्शकों को भी बता दो, क्या रिपोर्ट है जी बेरी हल्के की? बेरी हल्के की जी रिपोर्ट है, बीजेपी की तरफ ज्यादा रुझान है जी। एससी और बैकबोर्ड और जो ब्राह्मण और बनिया है ना जी, हाँ, इनका ज्यादा कर बीजेपी की तरफ झुकाव है जी, लोग बोल नहीं रहे। आप एक काम करो, बानिया और ब्राह्मण ने छोड़ो, आप सिर्फ अपनी अपनी बताओ, एससी वोट क्या कर रही है? बहुत बढ़िया है जी, वो हाव गुल्ला तो कर नहीं रहे। अच्छा जी। हाँ, जैसे बोल के बताते हैं ना, ऐसे तो कर नहीं रहे, पर नीचे नीचे बताते हैं सब। हम घूमते हैं, हम सुनते हैं ना। अच्छा जी, तो बताते हैं। नहीं मुकेश भाई एक बात बताओ, आम तौर पे जो एससी वोट थी वो पिछले 5-10 साल पहले जो है वो कांग्रेस की वोट होया करती थी। बाबा जी एक बात बताओ। हाँ, जैसे ये जाट कांग्रेस की तरफ घुस रहे हैं। हाँ, पहले जाट कौन कांग्रेसी होता था? हम कांग्रेसी होते थे, एससी होया, बैक बोर्ड हुए। अच्छा, ये तो आया है अब 10 साल से जब ये कांग्रेसी हुए हैं ना, तो ये कांग्रेस को कौन जानते थे? कांग्रेसी तो हम है, हम होया करते थे पक्के। पर मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए कि एससी वोट जो कि कांग्रेसी होती थी और सारी दुनिया जानती होती थी, ये भाजपा ही कैसे हो गए? भाजपा को वोट क्यों देने लग गए? बाबा जी इसमें, इस सरकार में मोदी जी ने नहीं तो कोई खर्ची चली, नहीं पर्ची चली। मेरे घर में, मेरे खुद घर में, मेरे घर में अच्छा, 4 नौकरी मिली है बाबा जी। 4 नौकरी? हाँ जी बाबा जी, मेरी इस योजना में 4 नौकरियां मिली हैं। किसको किसको मिली है जरा बताइए डिटेल। मेरा एक भतीजा है वो हरियाणा पुलिस में। अच्छा जी। एक है जी समाज कल्याण विभाग में चंडीगढ़। अच्छा जी। एक बहू है जी वो चंडीगढ़ पुलिस में। अच्छा जी। एक लड़का जी है डाक विभाग में। डाक विभाग में? हाँ जी। एक भाई है मिलिट्री में। ये तो 5-5 हो गए। एक भाई है मेरा मास्टर। नहीं, खट्टर राज में कितनी मिली? 4 मिली है जी खट्टर राज में। और कोई रिश्वत, कोई खर्ची पर्ची नहीं चाली? कोई खर्ची नहीं, कोई पर्ची नहीं, बिल्कुल निःशुल्क बच्चे लगे हैं जी। हम तो बड़े खुश हैं, बहुत खुश हैं जी। हम तो पैसे दे ही नहीं सकते जी किसी हालत में भी नौकरी के लिए। हम मजदूरी करने वाले पैसा कैसे दे देंगे, आप बताओ बाबा जी। नहीं नहीं, अच्छा एक चीज और बताइए ना, चलिए खर्ची पर्ची तो एक मुद्दा हो गया भाई, चलो गरीब बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर नौकरी मिले, नहीं तो पहले तो नौकरी की बंदरबांट हो जाती थी और उड्डा अपने अपने लोगों को पैसे लेके नौकरी दे देता था। हाँ जी। आपके गाँव वो गरीबों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाया जी। आयुष्मान? अच्छा। हाँ जी। और गरीब के लिए जो सिलेंडर दिए, हर गरीब की बेटी के लिए शादी में कन्यादान 71,000 रुपए कर दिया जी। और अच्छा। फ्री मकान और प्लाट दिए जी, और गुंडा राज मिटाया जी, और महिलाओं के लिए स्पेशल बस लगा दी जी रोहतक से गांव तक, और हर गरीब को प्लाट और मकान दिए जी, और जन धन खातों में 1,000-1,000 रुपए आए, और 60 साल वे रांडो की पेंशन बनाई जी। कितने काम गिनवा दिए बाबा जी, देखो आप। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप बीजेपी कार्यकर्ता हो या आम आदमी हो? मैं आम आदमी हूँ जी। क्या एजुकेशन है आपकी? मैं
वैसे तो जी प्लस टू है हूँ, वैसे तो मैंने बीए सेकंड कर रखी है। पर देखिए आप एक जागरूक मतदाता, एक जागरूक नागरिक की तरह बात कर रहे हैं, क्योंकि आम आम गांव वाले को इतनी योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं होती, पर आप तो सारी योजना ऐसे गिना रहे हैं जैसे सचमुच कोई भाजपा कार्यकर्ता हो। पर ये बात तो सही है कि ये नहीं तमाम बाबा जी, मैं योजनाएं तो मजदूर आदमी हूँ, मैं तो मजदूरी करता हूँ, सुबह निकलता हूँ, मतलब शाम को आता हूँ जी। अच्छा जी हाँ जी, लेकिन जो मोदी के अच्छे काम है ना जी, अच्छे कामों पर जो वोटर मर रहे हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा मैं आज भी हरियाणा के दौरे से निकला हूँ, आया दौरा करके आया हूँ हरियाणा में। मैं आज कुरुक्षेत्र और करनाल लोकसभा में काफी देर रहा मैं, हाँ जी, तो वहां पे मेरे कुछ मित्र मिल गए। वो चर्चा कर रहे थे कि सिरसा में जो है हुड्डा साहब प्रचार करने नहीं गए, तो शैलजा के जो समर्थक हैं रोहतक में, वो दीपेंद्र ने वोट नहीं देंगे। आप लोग की कम्युनिटी शैलजा की समर्थक है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि शैलजा के कहने से आप जो है ये बीजेपी को वोट दे रहे हैं और कांग्रेस को नहीं दे रहे, क्या ऐसी कोई बात है क्या? नहीं, हम तो पीछे भी बीजेपी के वोटर थे, पिछली योजना में भी ठीक है ना, और हमारा जी कोई लंबा लिंक नहीं है, हमारा तो बस हमारे घर तक लिंक है, बस इससे ज्यादा हमारा कोई लिंक नहीं किसी से भी। आपके गांव दुबल धनमाजरे में लगभग 80 वोट कितनी होगी? जी मेरा बड़ा गांव है जी, 3 पंचायतों का गांव है। अच्छा हाँ जी, 3 पंचायतें हैं जी मेरे गांव में, 3 सरपंच बनते हैं, ओके। मेरा तो बहुत बड़ा गांव है जी। नहीं तो आपके जो आपका वाला जो गांव है जिसमें आपने कहा 3 पंचायत है, आपकी पंचायत में 80 वोट लगभग कितनी है? लगभग जी मानो 3 पाने हैं जी, 3 पाना बोलते हैं, हाँ उसमें लगभग जी 2,000, दो दो हजार रुपये, दो दो हजार वोट लगा मान के चलो आप, 6,000 वोट तो खूब हो जाएंगे जी। तो इसमें से लगभग कितनी बीजेपी को पड़ जाएंगी, कितनी कांग्रेस को पड़ेंगी? आप मान के चलो जी 90% वोट बीजेपी को जाएंगे जी। अच्छा ये तो हो गई दुब्बल धनमाजरे की बात, बेरी हल्के में बाकी क्या पोजीशन है 80 वोट की बताइए सिर्फ। मेरी मैं ऐसे ही है जी, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, हर जगह मैं घूमता हूँ जी, मैं मजदूरी करने जाता हूँ जी, मैं गांवों में घूमता हूँ, हाँ मैं दुकानों पर माल सप्लाई करता हूँ जी, बच्चों का जो आइटम नहीं होते हैं ये, कैसी आइटम? जैसे टॉफी, ये अच्छा चॉकलेट होती हैं, हाँ, ये तो मैं हर गांव में जाता हूँ जी, मैं उनकी सबको सुनता हूँ, बोलने में तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है उधर, लेकिन मैं सुनता तो सभी की हूँ। वहां लोग क्या है कि इनसे, इन लोगों से डरते हुए ऐसी कैटेगरी के कुछ लोग बोल नहीं पाते, अच्छा जैसे उन पर दबाव आ जाता है, हमारे खेत माना भाई ये है वो है, इस तरह का दबाव पड़ जाता है तो लोग चुपके हैं, चुपके। हाँ अच्छा मतलब जी, और चुप जब बैठते हैं ना, हाँ जब बोलते हैं सारी पूरी बात। अभी भी मेरे पास पांच पांच छह बंदे बैठे हुए थे, बार मैं आपका जिक्र कर रहा था, अच्छा जी हाँ तो वो बोल रहे थे, बोला भाई भाजपा को तो कैसे जिताएं, कैसे क्या करें, जिताना पड़ेगा, ये तो एक किस्म का नारा लग गया है कि एक जात एक तरफ है और 35 जात एक तरफ है, अच्छा ये जी तो हाँ ये तो नारा लग गया है जी, ये जातवाद सा ऐसा फैल गया है जी, इसमें बहुत कुछ वो हो गया है। तो आपका ये कहने का मतलब है कि पूरे बेरी हल्के में यही पोजीशन है कि 80 वोट, ये पोजीशन बिल्कुल जी, और बाकी हल्कों में, बाकी रोहतक लोकसभा में, जैसे एक तो बेरी हल्का कि आप बता रहे हो, बाकी अभी तो 8 हल्के और हैं। देखो इनकी तरफ तो हम इतना ज्यादा घूम नहीं पाते हैं, जो हम घूमते हैं वहां वहां तो देख बताया बाबा जी, लेकिन बीजेपी को चाहते हैं लोग, अच्छा उभर जी के नहीं बोल पाते हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है जी,
कोई होता है, कोई एक आधा बंदा ऐसा होता है जो खुल के बोलता है, जैसे ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ हाँ ऐसे सभी बात नहीं करते हुए महाराज जी। अच्छा कुछ जी लोग ऐसे हैं जो नीचे नीचे ही। और फिर बाबा जी मैंने सरपंच का इलेक्शन लड़ा था अच्छा जी 2010-11 में, अच्छा तो कुछ लोग आप मान के चलो कि हमारी भी इज्जत होगी जब हमने इलेक्शन लड़ा है तो मेरा एरिया में मान के चलो कि मैं जिस घर में भी जाऊंगा तो कोई मना करने वाला नहीं है कि भाई आप ये क्यों कह रहे हो कि वहां ये करना है वो करना है। अच्छा हाँ आम आदमी मैं नहीं, कोई वो हूँ राजनीतिक का कोई इतना वो नहीं हूँ, मेरे को ज्ञान नहीं है, लेकिन जो बात बताता हूँ आपको सटीक बात है बिल्कुल। अच्छा जब आप सरपंच का चुनाव लड़े थे तो कितनी वोट मिली थी? वो उस वक्त जी मैं सेकंड था। अच्छा हाँ मैं हार गया था लगभग 25-26 वोटों से हार गया था मैं। अच्छा जी अच्छा जी हाँ जी हमारा बड़ा गांव है महाराज जी। अच्छा एक बात बताओ, मान लो अब का मोदी आ गया, हाँ जी, और फिर 4 महीने बाद फिर विधानसभा के भी चुनाव होंगे, उसमें फिर बीजेपी आ गई, अगर आ गई हाँ जी, तो एक एससी कैटेगरी का जागरूक आदमी होने के नाते आपकी क्या आशाएं हैं नई सरकार से, मोदी सरकार से और अगली राज्य सरकार से? क्या आपको क्या लगता है कि और क्या होना चाहिए आपके लिए, देश के लिए, राज्य के लिए? ऐसा कौन सी चीज है जो छूट गई जो नई सरकार में मोदी जी को या नए मुख्यमंत्री को करनी चाहिए? देखो बाबा जी गरीबों की तरफ जो झुकते हैं वो सदा जीत में रहते हैं, ये तो आप मान के चलियो। हाँ जी जो गरीब तबका की तरफ चलेगा ना जी, वो चाहे किसी पार्टी हो चाहे कोई सरपंच हो, आप ऊपर मोदी से लेके मेमर तक मान के चलो, आप जी ग्राम पंचायत मेंबर तक, मेंबर तक, हाँ जिस तरफ एसी हो जाता है, बैकबोर्ड हो जाता है, वो जीतते हैं। अच्छा। जी हम तो सरकार से निवेदन करते हैं हाथ जोड़ के कि वही गरीबों की तरफ थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि इनके पास नहीं तो जमीन है, हाँ जमीन जायदाद भी नहीं होती इनके पास बोने वाली, हाँ ये तो कर लेते हैं तो खा लेते हैं, नहीं तो फिर इनकी तंगी होती है। अच्छा मुझे एक चीज और बताइए भाई, राज्य सरकारों ने और केंद्र ने भी इतनी सारी योजनाएं चलाई, हाँ जी हाँ जी, गरीबों के लिए सबसे अच्छी योजना, सबसे ज्यादा जिसका असर पड़ा वो कौन सी थी? वो जी गरीबों के लिए जैसे ये सिलेंडर तो आए थे जी। अच्छा जी सिलेंडर भी में बहुत से गरीब है जी जो बहुत तंगी में रहते हैं। हाँ और फिर दूसरी बात ये आयुष्मान जो कार्ड बनाया था जी, इनके ये भी बहुत अच्छी चीज बनी है जी, गरीब आदमी इतना इलाज नहीं करवा पाता है। हाँ तो इसके सारा से बंदा अपना इलाज करवा लेता है। अच्छा ये जो राशन मिलता है, राशन में क्या क्या मिल रहा है आजकल? राशन में जी 2 किलो तेल मिलता है और पर आदमी को 5 किलो गेहूं मिलता है और 1 किलो चीनी मिलती है पर आदमी को 5 किलो। हाँ जी पर आदमी को। तो आपके घर में, आपके घर में कितने आदमी हैं? आपके घर में? मेरे घर में जी हम पांच बंदे हैं जी, घर में मीना बीबी लड़की 2 लड़के। तो 1 महीने में 5 किलो मिला तो 25 किलो तो गेहूं मिल गया। हाँ जी गेहूं हो गया, 2 किलो तेल 1 किलो चीनी। 25 किलो गेहूं, 2 किलो तेल, 1 चावल नहीं मिलते? नहीं चावल यहाँ नहीं मिलते जी। अच्छा 25 किलो गेहूं में फिर काम चल जाता महीने का? कुछ हम कर लेते हैं जी, हम आप ये देखो नरा नरा तो वहां पर भी तो नहीं रहना है उनके। नहीं नहीं फिर भी 25 किलो का भी सहारा मिल जाए तो बहुत होता है जी। बहुत होता है जी, बहुत है। आप जो मानो के 25 किलो फ्री मिलता है, 2 किलो तेल चीनी मिलती है फ्री। 5 किलो चीनी होगी महीने की। हाँ जी फ्री मिलती है। आप देखो मान लो अगर तेल को लेके चले तो मान लो 150 भी लगाए तो 300 रुपए का तो तेल हो गया जी। हाँ जी और 5 किलो 20 रुपए गेहूं लगाए जब भी
मान लो 25 किलो गेहूं हो गया 500 का, 500 रुपए का गेहूं हो गया, हाँ कम से कम थोड़ा से थोड़ा 40 रुपए की चीनी लगा लो, 5 किलो चीनी मिलती है? नहीं, किलो, 1 किलो मिलती है सर जी। 1 किलो एक आदमी की मिली ना? हाँ जी, एक नहीं, एक ही किलो मिलती है बस। अच्छा, पूरे परिवार को 1 किलो? हाँ जी। अच्छा चलो चलो, ये भी 600-700 रुपए 800 रुपए की आइटम होगी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और बहुत योजनाएं और मिल जाती हैं जी, जैसे लड़की की शादी है 71,000 रुपए मिल जाता है जी। मान लो हम गरीब आदमी, हमारे लड़की की आधी शादी हो जाती है जी। बात तो सही है, ठीक है ना। हम इतने बड़े आदमी तो है नहीं, जो बहुत पैसा लगाते हैं, हमारा 2-2.5 लाख रुपए में हमारा काम निमट जाता है। अच्छा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का क्या हाल है? बच्चे गांव में कैसे, पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है बताओ? पढ़ाई बिल्कुल बढ़िया चल रही है। एक लड़का तो जी डाक विभाग में, ये अपने राजस्थान पाली मारवाड़ में सर्विस करता है। अच्छा जी। और एक लड़की भी ये फाइनल कर चुकी है आपकी? हाँ जी, एक लड़का है वो बीए कर रहा है, वो अब काम की तलाश में है और पढ़ भी रहा है। तो उनसे बोलिए अच्छे से मेहनत करें, क्योंकि अगली सरकार भी बीजेपी की आएगी और उसमें भी बगैर खर्ची पर्ची के ही नौकरियां मिलेंगी। तो जो नौकरी को क्वालिफाई करेगा, जो एग्जाम पास करेगा, उसी को मिलेगी। कोई भाई भतीजावाद नहीं चलेगा, कोई लूट लपाट नहीं चलेगी। तो अपने बच्चों से बोलिए अच्छी सी मेहनत करें, पढ़ाई करें खूब मन लगा के। बाबा जी इसलिए तो भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, इसमें खर्ची पर्ची नहीं चलती। हम गरीबों के बच्चे, गरीबों के केस, जिसमें टैलेंट है उसे भी के लगते हैं, जिसमें वो किसी भी समाज से होता है। हाँ, बात तो सही है। और सभी समाज को राशन मिलता है। चाहे किसी भी समाज से, अगर वो जाट समाज से है और गरीब है तो उसको भी मिलता है। अगर जाट समाज का है और वो कोई टैलेंट बच्चा है तो उसको। अच्छा, अब आखिरी सवाल, अब आप ये बता दो, रोहतक से कौन जीतेगा? रोहतक से जी, जो आज का बता रहा हूँ मैं, आपका अरविंद शर्मा जी जीत रहे हैं आज के दिन। अच्छा, कितने वोट से जीताओगे? ये कम से कम दीजिए, मानो आप 81 लाख के नजदीक। अच्छा, 80,000 से 1 लाख। वैसे मेरा आकलन तो 1.5 लाख का था, आपने कम कर दिया 50,000। बहुत बढ़िया जीत है जी उसकी। अच्छा, अरविंद शर्मा जी जीत रहे हैं। हाँ, जीत रहे हैं जी, आज के टाइम, अब इस टाइम तक। चलिए जी, बहुत रमेश भाई आपसे, मुकेश भाई आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ये थे जी मुकेश जी दुबलदन गांव से। मुकेश भाई थैंक यू वेरी मच, फिर से आपसे दोबारा बात करूंगा। आज के लिए धन्यवाद। ठीक है जी, धन्यवाद बाबा जी। राम राम जी, राम राम, राम राम जी, राम राम।